दोस्तों, अगर आप एक सिंगर हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसे जबरदस्त ऐप के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप वोकल रिमूव करके फुल HD क्वालिटी में करियोके बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 5 ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों को सपोर्ट करता है। अगर मैं इसको प्ले स्टोर पे देखूं तो इसे 4.5 स्टार मिला है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 3 मिनट तक के ही आप सॉन्ग के वोकल रिमूव कर सकते हैं। उसे ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो इसका प्रो वर्जन आपको VIP सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वोकल रिमूव बहुत ही जबरदस्त तरीके से करता है, साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही जबरदस्त आता है इसका आउटपुट में। अगर इसे प्ले स्टोर पे देखें तो 3.4 स्टार मिला है। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आप वोकल रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। वोकल रिमूव बहुत अच्छे तरीका से लगभग कर देता है। इसका अगर दोस्तों हम देखें प्ले स्टोर पे तो 4.1 स्टार मिला है, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे आपको कुछ हद तक फ्री भी मिलेगा और उसके बाद अगर प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो लगभग ₹180 पर मंथ लगेगा। वोकल भी रिमूव कर देता है, इसमें अलग से आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा ये, आप इसे एक बार यूज कर सकते हैं। अगर इसे दोस्तों हम देखें प्ले स्टोर पर तो 4.6 स्टार मिला है। यहाँ पे आप अपने YouTube का भी जो सॉन्ग है डायरेक्ट उसके लिंक पेस्ट करके उसका भी वोकल रिमूव कर सकते हैं, और गैलरी से भी आप जो भी सॉन्ग डाउनलोड किए हैं उसका भी वोकल रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक तरह से कुछ हद तक फ्री भी है और उसके बाद अगर प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो लगभग ₹350 पर मंथ लगेगा। यहाँ पे भी आप वोकल रिमूव कर सकते हैं और अलग से अपना इसमें वोकल ऐड भी कर सकते हैं, दो दो फैसिलिटी है। इसे अगर दोस्तों प्ले स्टोर पर देखें तो 4.1 स्टार मिला है। ये बिल्कुल फ्री ऐप है एंड्रॉयड के लिए और आईफोन के लिए, लेकिन विंडो में इसका पेड ऐप है, तो यहाँ पे आप फ्री में इसे यूज कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से हमें लगा जितने भी ऐप हमने बताया है उसमें ये प्रोफेशनली वोकल रिमूव के लिए ज़बरदस्त है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता था कि हम ऐसे वोकल कैसे रिमूव करें जिसमें कोरस पार्ट रहने दें, तो इसके लिए आपको मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा। एंड्रॉयड पर ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट में भी नहीं है, इसके लिए आपको विंडो के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना पड़ेगा। वहाँ पर आप मैन्युअली जिस पार्ट को चाहेंगे वोकल रिमूव करना उसको रिमूव कर सकते हैं, और जिस पार्ट को चाहेंगे ये रहने दें तो वो रहने दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।